जो एक जज साहब ने 1993 में एक कॉलम नवीस इरशाद अहमद हकानी मरहूम को लिखा था। जज साहब लिखते हैं, मैं मातहत अदिया का एक रुकन हूँ। कानून ने मुझे ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले करने का इख्तियार दिया है। करोड़ों रुपए की जायदाद मेरे एक दस्तखत से एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो जाती है। इन इख्तियारात की वजह से मेरे मकाम तैनाती का हर शख्स, ख्वाह वो कितना ही अमीर और साहिब असर हो, मेरी खुशी हासिल करने का मतमनी रहता है। बड़े बड़े लोग जिनकी इक्तदार के अवानों तक रसाई होती है, वो मेरे चैम्बर में दाखिल होना एजाज़ समझते हैं और इस मंजिल को पाने के लिए वो हज़ार जतन करते हैं। इस वक्त मेरी माहवार तनख्वाह 4,500 रुपये है। जहन में रखिएगा, ये 1993 का वाक़िया है। मेरे ज़ेर कफालत 6 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान है। 5 बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ते हैं। मेरे परवरदिगार ने मुझे वसाइल की तंगी के बावजूद रिस्क हलाल खाने, मज़लूम को इंसाफ फराहम करने और किसी भी दबाव में ना आने की तौफीक अता फरमाई है। मेरा ये दावा है कि इस दुनिया में कोई शख्स बशमूल उसके जो मुझे 2 मिनट में मुलाजमत से निकाल सकता है, मुझसे नाजायज़ अदालती काम नहीं करा सकता। मेरे रब ने मेरे और मेरे बच्चों को रिस्क हराम और इसको हासिल करने की ख्वाहिश और तमन्ना तक से महफूज रखा है। इस दुनिया की चकाचौंध, दौलत की चमक और पुरासाइश ज़िंदगी की ख्वाहिश ने कभी शिकस्त नहीं दी। मैं अपने इन फैसलों पर ना तो कभी परेशान हुआ हूँ और ना ही पशेमान। इस दौलत के पुजारी दुनिया में अब भी ऐसे जज मौजूद हैं जिनके 2 बच्चे चारपाइयाँ कम होने की वजह से एक चारपाई पर सोते हैं, और खुदा को हाजिर नाजिर जानकर सच बता रहा हूँ कि दूसरी चारपाई ख़रीदने की ताकत नहीं है। हम हुकूमत या अपने आला अफसरान के खौफ या डर से साफ ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, बल्कि रोज़ महशर के खौफ ने लूट मार में मुलविस होने से रोक रखा है। ये तो रब करीम का इनाम है कि इस तंगदस्ती में भी रोज़ महशर का नक्शा याद रखा, वरना हालात इंतहाई मायूस कुन हैं। आप यकीन करें या ना करें, हर माह ऐसे दिन भी आ जाते हैं कि जब बीमार बच्चे के लिए मामूली दवा ख़रीदने के लिए जेब में 1 रुपया तक नहीं होता। नाज़रीन कराम, बुराई की जड़ अल्लाह पर ईमान की कमज़ोरी और अल्लाह के एहतसाब से न डरना है। यही वजह है कि जब डायरेक्टर जनरल और चेयरमैन साइकिलों पर दफ्तर आते थे तो करप्शन ना होने के बराबर थी, और आज 0 मीटर गाड़ियाँ हैं, प्लाट हैं और 5-स्टार होटलों में खाने हैं और करप्शन उरूज पर है। सूरत हाल की इस्लाह के लिए हम